Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is MPLH scheme. तो हम जानेंगे जो MPLH scheme इसके बारे में पहले भी कई बार हम लोगों ने इसे consider कर रखा है लेकिन फिर से न्यूज में आया तो जानेंगे क्यों आया फिर क्या है. The Union Government has said that it is not considering any proposal to restore Member of Parliament Local Area Development Scheme Fund for Financial Year 21 and Financial Year 22. The Union Government है उन्होंने कहा है कि वो नहीं consider करेंगे किसी भी proposal को restore करने को लेके Member of Parliament Local Area Development Scheme MPLH Fund को Financial Year 21 और Financial Year 22 के लिए. बैकग्राउंड क्या हम ये समझते हैं. द गवर्नमेंट हैड इन अप्रैल 2020 डिक्लाइन नॉट टू ऑपरेट एमपीएलएच फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 एंड 2021-22 एंड प्लेस द एमपीएलएच फंड फॉर दिस टू ईयर एट द डिस्पोजल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू मीट द इमरजेंट नीड ऑफ पीपल. जो गवर्नमेंट है उन्होंने अप्रैल 2020 में डिसाइड किया था कि नहीं ऑपरेट करेंगे एमपीएलएच को फाइनेंशियल ईयर 2020-21 और 2021-22 के लिए. उन्होंने एमपीएलएच फंड को ये दो साल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास ही रख दिया था ताकि जो इमरजेंट नीड है पीपल का उसको देखते हुए इसका उपयोग किया जा सके. From 5,012 crore spent during 2018-19, an expenditure of just rupees 2,491.45 crore was taken up under the scheme in 2019-20. जो 5,012 करोड़ जो कि स्पेंड करना था 2018-19 में जो एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ 2,491.45 करोड़ का हुआ था इस स्कीम के अंतर्गत 2019-20 पे. किस तरीके से इस फंड को यूटिलाइज किया जाता है. द गवर्नमेंट हैज सेड दैट द फंड शिफ्ट फ्रॉम द एमपीएलएच स्कीम हैज बीन यूटिलाइज टू एनहेंस द एलोकेशन ऑफ फंड फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड फ्री रेशन अंडर पीएम गरीब कल्याण योजना एंड फ्री वैक्सीनेशन फॉर द पीपल. गवर्नमेंट ने बताया है कि ये जो फंड जो कि सेव होता है एमपीएलएच स्कीम से उसको यूटिलाइज किया जाता है इन्हेंस करने के लिए एलोकेशन को फंड का ताकि इम्प्रूव किया जाए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड किया जाए फ्री राशन को पीएम गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत और फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाए पीपल को. एमपीएलएच स्कीम है क्या. इट वॉज लॉन्च इन दिसंबर 1993. एमपीएलएच स्कीम को सबसे पहले तो कब लॉन्च किया गया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो दिसंबर 1993 पे ये प्रोवाइड करा था एक मैकेनिज्म को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए ताकि वो रिकमेंड कर सके वर्क को डेवलपमेंटल नेचर का ताकि क्रिएट किया जा सके एक ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट को और प्रोविजन हो इसमें बेसिक फैसिलिटी का जिसमें कि कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि बेस्ड हो लोकल फेल्ट नीड के अनुसार उस पर फोकस हो. द एमपीएलएच इज ए प्लान स्कीम फुल्ली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जो एमपीएलएच है वो प्लान स्कीम है इसको पूरी तरीके से फंड किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. द एनुअल एमपीएलएच फंड इंटाइटलमेंट पर एमपी कंस्टिट्यूएंसी इज रूपीज 5 करोड़. जो एनुअल एमपीएलएच फंड इंटाइटलमेंट है पर एमपी कंस्टिट्यूएंसी के लिए वो 5 करोड़ है. स्पेशल फोकस क्या है इसका. द एमपी आर टू रिकमेंड एवरी ईयर वर्क कॉस्टिंग एटलीस्ट 15% ऑफ द एमपीएलएच इंटाइटलमेंट फॉर द ईयर फॉर एरियाज इनहेबिटेड बाय शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन एंड 7.5% फॉर एरिया इनहेबिटेड बाय एसटी पॉपुलेशन. जो एमपी है उनको रिकमेंड किया गया है कि हर एक साल वर्क जो कि कॉस्ट करेगा एटलीस्ट 15% एमपीएलएच इंटाइटलमेंट का वो एरियाज में होना चाहिए जहां पे इनहेबिट किया गया है शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन के द्वारा और 7.5% होना चाहिए वैसे एरिया पे जो कि इनहेबिट किया गया एसटी पॉपुलेशन के द्वारा. ये जो एमपीएलएच फंड है इसका रिलीज कैसे होता है. तो फंड आर रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट इन एड डायरेक्टली टू द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी. ये जो फंड है इसको रिलीज किया जाता है ग्रांट इन एड के तौर पर डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास. द फंड रिलीज अंडर द स्कीम आर नॉन लैप्सेबल. जो फंड रिलीज किया जाता है इस स्कीम के अंतर्गत वो नॉन लैप्सेबल है. द लायबिलिटी ऑफ फंड नॉट रिलीज इन ए पर्टिकुलर ईयर इज कैरिड फॉरवर्ड टू द सब्सिक्वेंट ईयर सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी. और जो लायबिलिटी है फंड का जिसको कि नहीं रिलीज किया गया है एक पर्टिकुलर ईयर पे वो कैरी फॉरवर्ड होता है सब्सिक्वेंट ईयर पे एलिजिबिलिटी के अनुसार. द एमपी हैव ए रिकमेंडेशन रोल अंडर द स्कीम. और जो एमपी होता है उसका रिकमेंडेशन रोल होता है इस स्कीम के अंतर्गत. द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी इज इम्पावर्ड टू एग्जामिन द एलिजिबिलिटी ऑफ वर्क सैंक्शन फंड सिलेक्ट द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी प्रायोरिटाइज वर्क सुपरवाइज ओवरऑल एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटर द स्कीम एट ग्राउंड लेवल. जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी होता है वो इम्पावर होता है एग्जामिन करने के लिए एलिजिबिलिटी को वर्क का सैंक्शन फंड को सिलेक्ट करते हैं इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को प्रायोरिटाइज करते हैं वर्क को सुपरवाइज करते हैं ओवरऑल एग्जीक्यूशन को और मॉनिटर करते हैं जो स्कीम है ग्राउंड लेवल पर उसको. एटलीस्ट 10% ऑफ द प्रोजेक्ट अंडर इम्प्लीमेंटेशन इन द डिस्ट्रिक्ट आर टू बी इंस्पेक्टेड एवरी ईयर बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी. और जो एटलीस्ट 10% होता है प्रोजेक्ट का जो कि इम्प्लीमेंटेशन पर होता है डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत उसको इंस्पेक्ट किया जाता है हर एक साल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के द्वारा. जो रिकमेंडेशन है वर्क का वो कैसा है. द लोकसभा मेंबर कैन रिकमेंड वर्क इन दियर रेस्पेक्टिव कंस्टिट्यूएंसी. जो लोकसभा के मेंबर होते हैं वो रिकमेंड कर सकते हैं वर्क को अपने रेस्पेक्टिव कंस्टिट्यूएंसी पे. जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं राज्यसभा के वो रिकमेंड कर सकते हैं वर्क को कहीं पे भी स्टेट में जहां से वो इलेक्ट हुए हैं.
नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा में सिलेक्ट वर्क फॉर इम्प्लीमेंटेशन एनी वेयर इन दी कंट्री। जो नॉमिनेटेड मेंबर होता है लोकसभा और राज्यसभा के, वो सिलेक्ट कर सकते हैं वर्क को इम्प्लीमेंटेशन के लिए कहीं से भी कंट्री में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एयर क्वालिटी कमीशन बिल 2021। तो जो एयर क्वालिटी कमीशन बिल है 2021 का, हम इसको जानेंगे। लोकसभा इज पास द बिल टू फॉर्मलाइज द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरिया। लोकसभा ने पास कर दिया है बिल को जो कि फॉर्मलाइज कर रहा है कमीशन को एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को लेकर नेशनल कैपिटल रीजन और एडजॉइनिंग एरियाज में। जो ये एयर क्वालिटी कमीशन बिल है, इसका कुछ हाईलाइट है, हम इसको समझते हैं। द एयर क्वालिटी कमीशन वुड बी अ परमानेंट बॉडी टू एड्रेस पॉल्यूशन इन द नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली एंड एड्रेस सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इन दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। जो एयर क्वालिटी कमीशन है वो एक परमानेंट बॉडी होगा जो कि एड्रेस करेगा पॉल्यूशन को नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली पे, और एड्रेस करेगा जो सोर्स है पॉल्यूशन का दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में, उसको भी एड्रेस करेगा। द ऑल पावर बॉडी एज्यूम सेवरल पावर टू कोऑर्डिनेट एक्शन अमंग स्टेट लिवाई फाइन्स रेंजिंग अप टू ₹1 करोड़ और 5 ईयर्स ऑफ प्रिजन टू एड्रेस एयर पॉल्यूशन। और ये जो ऑल पावर बॉडी है, ये एज्यूम करेगा बहुत सारे पावर को, कोऑर्डिनेशन एक्शन लेगा स्टेट के खिलाफ, फाइन लगाएगा जो कि ₹1 करोड़ तक होगा या 5 साल का प्रिजन का, ताकि एड्रेस किया जा सके एयर पॉल्यूशन को। इसका की फीचर्स क्या है? तो पहला तो इसको ओवरराइडिंग पावर मिलेगा। व्हाइल द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड इट्स स्टेट ब्रांचेस हैव द पावर टू इम्प्लीमेंट प्रोविजन ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट फॉर एयर वाटर एंड लैंड पॉल्यूशन। जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और जो उसका स्टेट ब्रांच है, उसके पास पावर है इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोविजन को एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का एयर वाटर और लैंड पॉल्यूशन के लिए। लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट व क्लैश ऑफ ज्यूरिसडिक्शन होता है तो जो एयर क्वालिटी कमीशन होगा उसके पास रिट होगा प्रिवेल करने के लिए स्पेसिफिक जो मैटर कंसर्निंग होगा एयर पॉल्यूशन से। इसका चेयरमैनशिप कैसे होगा? तो द बॉडी हैज अ फुल टाइम चेयरपर्सन एंड अ रेंज ऑफ मेंबर कंसिस्टिंग ऑफ बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम सेवरल मिनिस्ट्रीज एज वेल एज इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट एंड विल हैव द फाइनल से ऑन इवॉल्विंग पॉलिसी एंड इश्यूइंग डायरेक्शन। और ये जो बॉडी होगा उसमें फुल टाइम चेयरपर्सन होंगे और रेंज ऑफ मेंबर होंगे, जिसमें कि दोनों ही रिप्रेजेंटेटिव और सेवरल मिनिस्ट्री के पर्सन होंगे, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट होंगे, जिनका फाइनल से होगा इवॉल्विंग पॉलिसी के ऊपर और इश्यूइंग डायरेक्शन के ऊपर। कर्ब ऑन स्टबल फार्मिंग, ये कर्ब करेगा स्टबल बर्निंग को। द कमीशन में इम्पोज एंड कलेक्ट एनवायरमेंट कंपनसेशन काउजिंग पॉल्यूशन बाय स्टबल बर्निंग। और जो कमीशन है वो इम्पोज कर सकता है और कलेक्ट कर सकता है एनवायरमेंट कंपनसेशन को अगर उसके कारण पॉल्यूशन होता है स्टबल बर्निंग से। तो नो पेनल्टीज टू फार्मर, कोई भी पेनल्टीज नहीं होगा फार्मर्स के लिए। सेंटर जो कि फेस कर रहे थे फ्लैग को अर्लियर इस साल, फार्मर्स क्योंकि प्रोटेस्ट कर रहे थे फार्म लोग को, और जो कमिटी था कि वो रिमूव कर रहा है जो क्लाउज था एयर कमीशन बिल का, जो कि पहले पेनलाइज कर रहा था फार्मर को अगर वो बंद करते स्टबल को, जो कि एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर था नॉक्सियस एयर क्वालिटी के लिए, तो उसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम सीईआरटी इन। हम जानेंगे जो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है इसके बारे में। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्योरिंग इंडियन साइबर स्पेस। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसका ऑब्जेक्टिव है कि यह सिक्योर करे इंडियन साइबर स्पेस को। इट वॉज एस्टैब्लिश इन 2004, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 2004 में। इट इज द नोडल एजेंसी विच डील विद साइबर सिक्योरिटी थ्रेट लाइक हैकिंग एंड फिशिंग। ये एक नोडल एजेंसी है जो कि डील करता है साइबर सिक्योरिटी थ्रेट से, जैसे कि हैकिंग हो गया, फिशिंग हो गया। द इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 डेजिग्नेटेड सीईआरटी इन टू सर्व एज द नोडल एजेंसी टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शन। और जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट है 2008 का, वो डेजिग्नेट करता है सीईआरटी इन इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम को कि वो सर्व करे एक नोडल एजेंसी के तौर पे, नेशनल एजेंसी के तौर पे, जो कि परफॉर्म करेगा कुछ फंक्शंस को। सीईआरटी ट्रैक 6.7 लाख साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट इन फर्स्ट 6 मंथ ऑफ 2021, ऑफ विच अबाउट 12,000 वेयर रिलेटेड टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सीईआरटी इन ने ट्रैक किया है 6.07 लाख साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट को सिर्फ पहले 6 मंथ में 2021 का। समझ सकते कितना ज्यादा इंसिडेंट को इसने ट्रैक किया है, जिसमें 12,000 इंसिडेंट जो थे वो रिलेटेड थे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से। आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, डू वी नीड ए कास्ट बेस्ड सेंसस फॉर इंडिया। क्या हम लोग को जरूरत है एक कास्ट बेस्ड सेंसस का इंडिया के लिए? तो हम जानेंगे इसके बारे में कैसा क्यों कहा गया है, उसका क्या है सारा मैटर। द बिहार चीफ मिनिस्टर वांट द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिकंसीडर इट रिफ्यूजल टू होल्ड ए कास्ट बेस्ड सेंसस एज ही फील सच डाटा कैन हेल्प हिज गवर्नमेंट डिजाइन मोर फोकस्ड पॉलिसी फॉर द रियली नीडी अमंग ओबीसी। बिहार चीफ मिनिस्टर ने कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो रिकंसीडर करे जो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कि वो नहीं करेंगे कास्ट बेस्ड सेंसस को, क्योंकि उसका मानना है कि वैसा डाटा जो है गवर्नमेंट को मदद करेगा डिजाइन करने में मोर फोकस पॉलिसी को रियली नीडी जो है ओबीसी में उनके लिए।
However, Government of India decided as a matter of policy not to enumerate caste wise population other than SC ST in census. Then Government of India ने decide किया कि जो matter है policy का वो नहीं enumerate करेंगे caste wise population को other than SC ST को छोड़ के census में. How have caste data details been collected so far? अभी तक caste detail को किस तरीके से collect किया जा रहा था? While SC ST details are collected as a part of census, detail of other caste are not collected by the enumerator. The main method is by self-declaration to the enumerator. जो SC ST का detail है इसको collect किया जा रहा था part से census के details से, जबकि other caste का नहीं collect किया जा रहा था enumerator के द्वारा. जो main method था वो self-declaration के द्वारा हो रहा था enumerator के. So far, backward class commission in various states have been conducting their own court to सर्टेन दी पॉपुलेशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट. और अभी तक जो बैकवर्ड क्लास कमीशन है बहुत सारे स्टेट में वो कंडक्ट कर रहे हैं खुद के काउंट को, ताकि वो सर्टेन कर सके कि कौन से पॉपुलेशन बैकवर्ड कास्ट में आएंगे. व्हाट काइंड ऑफ कास्ट डाटा इज पब्लिश इन दिस सेंसस, किस टाइप का कास्ट डाटा को पब्लिश किया जाता है सेंसस में. एवरी सेंसस इज इंडिपेंडेंट इंडिया फ्रॉम 1951 टू 2011 हैज पब्लिश डाटा ऑन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब बट नॉट ऑन अदर कास्ट. बिफोर दैट एवरी सेंसस अंटिल 1931 हैज डाटा ऑन कास्ट. जो हर एक सेंसस था इंडिपेंडेंट इंडिया का 1951 से 2011 तक, उसने पब्लिश किया है डाटा को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप्स को लेके, लेकिन अदर कास्ट के लिए नहीं. लेकिन उससे पहले जो हर एक सेंसस था अंटिल 1931 तक, उसमें डाटा था कास्ट को लेके. व्हाट इज SECC 2011, जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है 2011 का, ये है क्या? तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है 2011 का, ये एक मेजर एक्सरसाइज है ऑब्टेन करने के लिए डाटा को सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का वेरियस कम्युनिटी का. इट हैज टू कॉम्पोनेंट, अ सर्वे ऑफ द रूरल एंड अर्बन हाउस होल्ड एंड रैंकिंग ऑफ दिस हाउस होल्ड बेस्ड ऑन प्री सेट पैरामीटर एंड ए कास्ट सेंसर. इसका दो कॉम्पोनेंट है, एक सर्वे करना रूरल और अर्बन हाउस होल्ड का, रैंक करना इस हाउस होल्ड का जो कि बेस्ड होगा प्री सेट पैरामीटर के ऊपर और कास्ट सेंसर के ऊपर. लेकिन जो डिटेल्स होगा इकोनॉमिक कंडीशन का पीपल का रूरल और अर्बन हाउस होल्ड में, उसको रिलीज किया गया. जो कास्ट डाटा था उसको अभी तक नहीं रिलीज किया गया. क्या डिफरेंस है सेंसस और सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में? द सेंसस प्रोवाइड अ पोर्ट्रेट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वाइल सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस इज अ टूल टू आइडेंटिफाई बेनिफिशियरी ऑफ स्टेट सपोर्ट. जो सेंसस है ये प्रोवाइड करता है एक रंग रूप को इंडियन के पॉपुलेशन का, जबकि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ये एक टूल है जो कि आइडेंटिफाई करता है कि कौन बेनिफिशियरी है स्टेट सपोर्ट के. सिंस दिस सेंसस फॉल अंडर द सेंसस एक्ट ऑफ 1948 All data are considered confidential, whereas all the personal information given in SECC is open for use by government department to grant and or restrict benefit to household. जो सेंसस है वो आता है सेंसस एक्ट 1948 के अंतर्गत. इसी कारण जो सारा डाटा है सेंसस के अंतर्गत उसको कंसीडर किया जाता है कि वो काफी कॉन्फिडेंशियल है, जबकि सारा प्रोविजन जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का वो दिया जाता है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में, जो कि ओपन है यूज किए जाने के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा, ताकि वो ग्रांट कर सके और रिस्ट्रिक्ट कर सके बेनिफिट को हाउस होल्ड के लिए. प्रो क्या है कास्ट सेंसस का, क्या पॉजिटिव पॉइंट है कास्ट सेंसस का? जो प्रिसाइज नंबर होगा पॉपुलेशन का हर एक कास्ट का, वो मदद करेगा टेलर को रिजर्वेशन पॉलिसी तैयार करने में, ताकि इंश्योर किया जा सके कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो सबका. लेकिन कुछ चिंता भी होगा इसको लेकर. देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट विल लीड टू ए हल्टमन अमंग सम सेक्शन एंड स्पॉन डिमांड फॉर लार्जर और सेपरेट कोटा. लेकिन एक पॉसिबिलिटी है कि इसके कारण कुछ लोग नाखुश भी होंगे और जो कुछ सेक्शन होंगे वो डिमांड करेंगे लार्जर व सेपरेट कोटा का. It has been alleged that the mere act of labeling person as belonging to a caste tend to perpetuate this system. और ये allege किया जा रहा है कि जो mere act है labeling करना person को कि वो belong कर रहे इस caste को, वो perpetuate करेगा इस system को. Next topic है हमारा bill to amend schedule tribe list. एक bill लाया गया है amend करने के लिए schedule tribe list को. हम जानेंगे क्या है method. The Rajasabha has passed the Constitution Schedule Tribe Order Amendment Bill 2021. The bill amend the Constitution शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर 1950. राज्यसभा ने पास कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2021 का. ये बिल अमेंड कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर को 1950 का. द बिल रिमूव द अबोव ट्राइब फ्रॉम द लिस्ट ऑफ आइडेंटिफाइड शेड्यूल ट्राइब्स इन अरुणाचल प्रदेश. ये जो बिल है ये हटा दे रहा है जो अबोव ट्राइब्स है उसको अब हटा दिया गया है आइडेंटिफाइड शेड्यूल ट्राइब का लिस्ट से अरुणाचल प्रदेश में. इस रिप्लेस सर्टेन एससी विद अदर ट्राइब्स, दिस इंक्लूड टाई खामती मिसमी कमन जिनको कि हम मिजू मिसमी कहते हैं, इडू जिसको हम मिसमी कहते हैं, और टराउन जिसको कि हम दिगारू मिसमी कहते हैं, उसको रिप्लेस कर दिया है कुछ एसटी से अदर टाइप से. हु हैज दी पावर टू मॉडिफाई द लिस्ट ऑफ नोटिफाइड एसटी, किनके पास पावर है को मॉडिफाई कर सकते हैं जो लिस्ट है नोटिफाइड एसटी का. द कॉन्स्टिट्यूशन इम्पावर द प्रेसिडेंट टू स्पेसिफाई द शेड्यूल ट्राइब्स इन वेरियस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी. फर्दर इट परमिट पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द लिस्ट ऑफ नोटिफाइड एसटी.
जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने इम्पावर किया प्रेसिडेंट को कि वो स्पेसिफाई कर सकते हैं शेड्यूल ट्राइब्स को वेरियस स्टेट और यूनियन टेरिटरी पे, और उन्होंने परमिट किया पार्लियामेंट को कि वो मॉडिफाई कर सकते हैं इस लिस्ट को नोटिफाई एसटी के लिए। डिफिनेशन क्या है एसटी के लिए, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द क्रिटेरिया फॉर रिकॉग्निशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसने नहीं डिफाइन किया है किसी भी क्रिटेरिया को जो कि रिकॉग्नाइज करता हो शेड्यूल ट्राइब को। However, Article 366, Clause 25 of the Constitution only provide process to define scheduled tribes. Scheduled tribes means such type of tribal communities or part of or group of within such tribe or tribal communities as are deemed under Article 342 to schedule tribes for the purpose of the Constitution. तो Article 366, Clause 25 है Constitution का, यह सिर्फ प्रोवाइड करता है प्रोसेस को कि किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है शेड्यूल ट्राइब को। शेड्यूल ट्राइब्स का मतलब है वैसे ट्राइब और ट्राइबल कम्युनिटीज व पार्ट या ग्रुप उस ट्राइब्स के ट्राइबल कम्युनिटी के अंतर्गत जो कि डीम्ड है अंडर आर्टिकल 342 के अंतर्गत शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, जो पर्पस है कॉन्स्टिट्यूशन को उसको फुलफिल करता है वही शेड्यूल ट्राइब्स है। आर्टिकल 342 क्लॉज 1 क्या कहता है, जो प्रेसिडेंट है वो रिस्पेक्ट टू किसी भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी से व स्टेट से कंसल्टेशन के बाद, गवर्नर के कंसल्टेशन के बाद पब्लिक नोटिफिकेशन के द्वारा स्पेसिफाई कर सकते हैं ट्राइब और ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में व जो पाथ है या ग्रुप है विद इन ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटी के अंतर्गत कि वो शेड्यूल ट्राइब्स है इन रिलेशन टू स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड प्रोवाइड किया गया है शेड्यूल ट्राइब्स को, हम इसको एक एक करके कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले हम एजुकेशनल और कल्चरल सेफगार्ड को जानेंगे शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जो है ये कहता है कि स्पेशल प्रोविजन देना चाहिए एडवांसमेंट के लिए अदर बैकवर्ड क्लास जिसमें कि एसटी भी आते हैं। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी विच इंक्लूड एसटी। जो आर्टिकल 29 है ये प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट को माइनॉरिटी का जिसमें कि एसटी आते हैं। आर्टिकल 46 द स्टेट शैल प्रमोट विद स्पेशल केयर एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल एंड इन पार्टिकुलर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड शैल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इंडस्ट्रीज एंड ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। जो आर्टिकल 46 है ये कहता है कि स्टेट जो है वो प्रमोट करेंगे स्पेशल केयर प्रोवाइड करेंगे एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखेंगे वीकर सेक्शन का पीपल का, और पार्टिकुलरली इसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर फोकस होगा, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा सारे टाइप्स के सोशल इंडस्ट्रीज से और ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन से। आर्टिकल 350 कहता है राइट टू कंजर्व डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर, कि अधिकार होना चाहिए कंजर्व करने का डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर को। आर्टिकल 350 कहता है इंस्ट्रक्शन जो है मदर टंग में देना चाहिए। सोशल सेफगार्ड क्या प्रोवाइड किया गया एसटी को, आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग एंड बेगर एंड अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर। जो आर्टिकल 23 है ये प्रोहिबिट करता है ट्रैफिकिंग को ह्यूमन बींग का, बेगर का और अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर को। आर्टिकल 24 फोरबिट करता है चाइल्ड लेबर को, ये सारे सोशल सेफगार्ड हो गए। इकोनॉमिक सेफगार्ड जो उनको प्रोवाइड किया गया है, तो आर्टिकल 24 क्लॉज 1 प्रोविजन ऑफ फिफ्थ शेड्यूल शैल अप्लाई टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन एनी स्टेट अदर देन स्टेट ऑफ असम मेघालय मिजोरम एंड त्रिपुरा विच आर कवर्ड अंडर सिक्स शेड्यूल अंडर क्लॉज 2 ऑफ दिस आर्टिकल। जो आर्टिकल 244 क्लॉज 1 है प्रोविजन फिफ्थ शेड्यूल का, वह अप्लाई करता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और कंट्रोल के लिए शेड्यूल एरिया का और शेड्यूल ट्राइब्स का स्टेट में अदर देन जो चार स्टेट है कौन कौन से, असम मेघालय मिजोरम त्रिपुरा को छोड़ के सब में काम करता है। ये चार स्टेट जो है ये कवर है सिक्स शेड्यूल के अंतर्गत क्लॉज 2 के इसी आर्टिकल में। आर्टिकल 225 जो है ये ग्रांट इन एड को स्पेसिफाई करता है स्टेट के लिए जिसको कि कवर किया गया फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन का। जो पॉलिटिकल सेफगार्ड प्रोवाइड किया गया एसटी कम्युनिटी को, तो आर्टिकल 164 क्लॉज 1 प्रोवाइड फॉर ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर इन बिहार एमपी एंड ओडिशा। जो आर्टिकल 164 क्लॉज 1 है ये प्रोवाइड करता है ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर को बिहार एमपी और ओडिशा के लिए। आर्टिकल 330 रिजर्वेशन ऑफ सीट इन एसटी इन लोकसभा, आर्टिकल 330 जो है ये प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन सीट का एसटी कम्युनिटी के लिए लोकसभा पे। आर्टिकल 337 रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर एसटी इन स्टेट लेजिस्लेचर, आर्टिकल 337 है ये बात कर रहा है कि रिजर्व करना है सीट को एसटी के लिए स्टेट लेजिस्लेचर पे। आर्टिकल 334 10 ईयर पीरियड फॉर रिजर्वेशन अमेंडेड सेवरल टाइम्स टू एक्सटेंड द पीरियड। जो आर्टिकल 334 है ये कहता है कि 10 ईयर का पीरियड होना चाहिए रिजर्वेशन के लिए और इसको अमेंड किया गया है बहुत बार अभी तक। आर्टिकल 243 रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीट इन पंचायत, जो आर्टिकल 343 है ये रिजर्व कर रहा है सीट को पंचायत के लिए एसटी में। आर्टिकल 371 ये स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और सिक्किम के लिए। जो सर्विस के रिलेटेड सेफगार्ड प्रोवाइड किया गया है ये आर्टिकल 16 क्लॉज 4 है, 164 क्लॉज बी, आर्टिकल 335, आर्टिकल 320 क्लॉज 40, इन सब में जो सर्विस सेफगार्ड प्रोवाइड किया गया है एसटी कम्युनिटी को उससे डील किया गया है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दीज आर अवर सोशल मीडिया लिंक, फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एंड गिव अस योर वैल्युएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।